बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोशनी के साथ आपका मेज़बान शकील अख्तर हाजिर खिदमत है। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर पाकिस्तान टेलीविज़न ने इसलिए शुरू किया है कि हमारी नई नस्ल में और हमारे उन लोगों में जिन्हें किताब का शौक़ नहीं है या नहीं हो सका पैदा, उनमें किताब पढ़ने का शौक़ पैदा हो। इसलिए कि किताब इल्म है, किताब आ गई है, किताब रोशनी। जब हम इस्लामी अदब या इस्लामी सकाफ़त की बात करते हैं तो उन किताबों का तस्करा ज़रूर होता है जिन्होंने इस्लाम के बुनियादी अखलाकी उसूलों को अपने साँचे में डाला। और अखलाकी कमाल का नाम है वाक़े करबला। मीर अनीस मिर्ज़ा दबीर और एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने उर्दू मरसिए को आपके हवाले किया। मीर अनीस वो शख्सियत जिन्होंने ज़बान को साफ़ किया है, उनके हवाले से किताब छपी है मीर अनीस के 111 मरसिए या मरासी। ये वो किताब है जो नैयर मसूद साहब ने और अपनी काविशों से छापा है और उसको यकजा कर दिया है 3 जिल्दों में, जिसमें कम वेश इस वक्त जो जितना मैसर है मीर अनीस का कलाम वो इसके अंदर मौजूद है। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस किताब पर, यानी मीर अनीस के 111 मरसिए पर। हमारे साथ जो अफराद शामिल हैं इसमें, उनका इस किताब और इस मौजू से बहुत गहरा ताल्लुक है। हमारे पहले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर असद सज्जाद साहब, उर्दू अदब के नक़ाद उस्ताद, 70 बरस कम वेश पढ़ाया और पढ़ाए और ख़ास तौर पर मीर अनीस पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। और उनके साथ हमारे साथ नाबगैर रोज़गार शख्सियत जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं। किताब का जिक्र हो, अनीस का जिक्र हो, दबीर का जिक्र हो, करबला का जिक्र हो, उर्दू ज़बान का जिक्र हो, शायरी का जिक्र हो, इफ्तिखार आरिफ साहब का हर जुमला सनत की हैसियत रखता है। इन दोनों शख्सियतों को बुलाने का बुनियादी मकसद ये है कि अभी तक अगर आपको किताब दिलचस्पी पैदा नहीं हुई तो शायद इस प्रोग्राम के बाद, इन दोनों शख्सियतों से गुफ्तगू के बाद, आप में किताब का शौक़ पैदा हो जाएगा। मैं यही नहीं कहता कि आप यही किताब ख़रीद के पढ़ें, लाइब्रेरी में जा सकते हैं, वहाँ से ले लें, PDF में पढ़ें, गूगल में सर्च करें, पढ़ें ज़रूर। एक दफ़ा पढ़ के देखिएगा इस प्रोग्राम के बाद कि प्रोग्राम सुनने से पहले और प्रोग्राम देखने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है आपके आपके सोच में। आइए इन पर गुफ्तगू करते हैं जी। प्रोफेसर सज्जाद साहब, मीर अनीस के 111 मरसिए। पहली मैं गुजारिश करूँगा कि क्या हम मरसिए को इस्लामी अदब में शामिल कर सकते हैं? देखिए, ये अनीस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको हम इस्लामी अदब में क्यों शामिल करेंगे। इससे पहले एक मुख्तसर सी बात, T.S. Eliot ने लिखा है कि तख्लीकी इम्कानात को इस तरह बरूएकार लाया जाए कि उसके आगे इजाफा करने की गुंजाइश ना हो। ये क्लासिक की तारीफ़ की उन्होंने और इस तारीफ़ पर अनीस पूरे उतरते हैं, इसलिए कि उन इजाफा करना तो बहुत दूर की बात है, कोई उन तक पहुंच भी नहीं सका। तो उनकी जो खसूसियात हैं शायरी की और महासिन हैं, वो इफ्तिखार आरिफ साहब बहुत उम्दा तरीके से बयान करेंगे। मैं इस गोशे को पेश नज़र रखूँगा जो आपके मौजू है इस्लामी अदब कि हम अनीस के मरसियों को इस्लामी अदब कैसे शुमार कर सकते हैं। तो देखिए, कलाम पाक में अल्लाह ताला ने कोई 50 से ज़्यादा मौक़े पे फरमाया है कि वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल किए उनको जन्नत मिलेगी और इनामात मिलेंगे वगैरह, बहुत जगह आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईमान को अमल के साथ ब्रैकेट कर दिया अल्लाह ने। सही। जब तक अमल नहीं होगा उस वक्त तक ईमान बेकार है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अमल करके दिखाया, कहा नमाज़ पढ़ो तो नमाज़ पढ़ के दिखाई, कहा रोज़ा रखो तो रोज़ा रख के दिखाया। तो गोया अमल की एक तफसीर उन्होंने पेश की। अब अनीस के जो ममदू हैं इमाम हुसैन, वो हुजूर पाक के नवासे हैं और ज़ाहिर है कि उन्हीं के मिशन को लेके आगे जा रहे हैं। तो वो किसी जंग के लिए नहीं निकले थे, वो तो लोगों की इसलाह के लिए निकले थे। चुनाचे आप ये देखें कि जितना हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ उल इबाद बताए गए हैं, इमाम हुसैन के सफ़र में आप हुर को पानी पिलाना देख लीजिए और उसके बाद जितनी
इस्लामी इंसानी अकदार आला तरीन अकदार हैं, उसके वो अलमबरदार थे। वो अपने ज़माने के बेहतरीन इंसान थे, अपने ज़माने के इमाम थे, और उस मिशन को ले कर चल रहे थे जो उनके नाना का मिशन था, और उसको बचाने के लिए। चुनाचे आप ये देखिए कि इमाम हुसैन के सफ़र में जितनी भी मनाजिल आई हैं, वहाँ आपको सब रोज़ इस्तिकामत, खुदा परस्ती और इशार क़ुरबानी, और इशार क़ुरबानी की इंतहा हो गई जाके शहादत के ऊपर। तो चूँकि इमाम हुसैन को मौजू बनाया है अनीस ने अपने मर्सियों का, और इमाम हुसैन वो किरदार हैं, वो शख्सियत हैं कि जो इस्लामी अमल का बेहतरीन नमूना है, इसलिए हम अनीस के मर्सियों को इस्लामी अदब में शामिल करते हैं। यानी वो तमाम इखलाकी अकदार इस्लाम की पहचान है वो अनीस के मर्सी में मिलती है, वो इमाम हुसैन की शख्सियत में मिलती है, और इन्होंने चूँकि उनको मौजू बनाया है, उसको बयान किया है, इसलिए ये इस्लामी अदब में शामिल है। प्रोफेसर हसन सज्जाद साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा कि उर्दू अदब पर अनीस के क्या एहसान आते हैं, या ये क्या हैसियत की मैं इफ्तिखार साहब करता हूँ। सरकार, आपने गुफ्तगू सुनी, आपका ताल्लुक़ उस सरजमीन से है जहाँ मीर अनीस पैदा हुए। 18 कदम मकौल आपके के फासले पर आपके वारिसों का भी घर है, उसी मोहल्ले में आप रहे। मीर अनीस के ज़माने के जो लोग थे, जो उनके बाद के जो लोग थे, आप उस तहजीब में पले बढ़े। जब इस्लामी अदब की हम बात करते हैं तो आपकी नज़र में तो वो सारी वो किताबें होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, ज़रा सा इस्लामी अदब। इस्लामी अदब का जो लफ्ज़ था बरसग़ीर में पहली दफ़ा क़याम पाकिस्तान के बाद इख्तियार किया गया, और शनाख्त के मरहले थे, पाकिस्तान कायम हो गया था। अब उसको नज़रिए पाकिस्तान का नाम वगैरह तो बाद में दिया गया, मगर कुछ तो था ना तसव्वुर जिसकी बुनियाद पर ये मुल्क कायम हुआ था, और मुसलमान अक्सरियत के लिए ये अलहदा ममलकत कायम की गई थी। तो हसन अस्करी और नासिर काज़मी और इन्होंने सबसे पहले, और तासीर साहब इनके साथ शामिल थे, इन्होंने लाहौर में इस्लामी अदब के नाम से एक सिलसिला शुरू किया। तो एक तो ये इसको मलहूज रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस्लामी अदब में क्या इस्लामी अदब होता है, और फ़र्क किया जाना चाहिए मुसलमानों के अदब में। मुसलमानों के माशों में जो अदब तख्लीक किया जा रहा है, वो सब का सब जो है उस पर नज़र रखनी चाहिए। और जो हमारे यहाँ करबला के मौजू पर जो तहरीरें हुई, तो जो ज़बान उर्दू है ये अपनी निहाद में और अपनी बुनियाद में इस्लामी जो रुझानात थे और इस्लामी शनाख्त थी बरसग़ीर की, उससे आगाज़ हुआ था। तो ज़बान उर्दू कुतुब शाह से लेकर और आज तक, जब आप देखेंगे तो दक्कन में उर्दू और फिर दिल्ली और लखनऊ और हमारे पाकिस्तानी इलाकों में जो उर्दू की सूरत हवाल, तो इसमें जो मुसलमान थे उन्होंने अपने लिए एक अपनी ज़बानों के साथ साथ इस ज़बान में अपने तख्लीकी और अपनी अरबी शनाख्त का इजहार किया। तो जो बात कही गई कि जहाँ इस्लामी अकदार को के रोल मॉडल्स पेश किए गए, बरसग़ीर में बड़ी किताबें जो थीं उसमें मसलन एक बहुत बड़ी किताब थी रामायण। अब वो रामायण में किरदार थे असातीरी किरदार, मैथोलॉजिकल किताब थी, उसमें देवमालाई तौर पर के रामचंद्र जी हैं और सीता जी हैं और भरत हैं और हनुमान जी हैं और एक रावण है। हमारे यहाँ जो इस्लामी तारीख में ये सब किरदार तारीख़ी किरदार हैं, ये एक हकीकी किरदार हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। दुनिया का बड़ा अदब वो है जिसमें रिश्तों पर गुफ्तगू की गई है, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे रसाई अदब है उसके जो बुनियादी किरदार हैं वो आपको उन इकदार की पासदारी करते मिलेंगे। भाई कैसा होना चाहिए,
ख़ानदान का सरबरा कैसा होना चाहिए, बहन कैसी होनी चाहिए, साथी कैसे होने चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम तस्लीम, जनाब अली अकबर, ज़ुहैर क़ैन, हबीब इब्ने मज़ाहिद, दोस्त कैसे होने चाहिए, साथ काम करने वाले कैसे होने चाहिए, गुलाम कैसे, सारे किरदार जो हैं वो आपके सामने। ये सारे रोल मॉडल्स तारीखी हैं, ये कोई तसव्वुराती नहीं किरदार है, मौजूद है। अब आइए, सुनने वालों को आपके दरमियान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रसाई अदब। मुमकिन है बहुत से लोगों को रसाई अदब के बारे में ना पता हो, अगर थोड़ी सी रसाई अदब पर। जी हाँ, अब देखिए 61 हिजरी में ये वाक़या हुआ और कर्बला के मैदान में इमाम। अच्छा, हमारे यहाँ पूरी तरह से वाक़यात को उस तरह से नहीं देखा जाता। बर सग़ीर में रसाई अदब जो है वो जितना रासिख है, इतना अदब में ना अरबी ज़बान में ना फारसी ज़बान। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होती है 61 हिजरी में, और एक आदमी हैं उनका नाम है उबैदुल्लाह इब्ने हुर्रे नाम है उनका, वो पहले रास्ते में इमाम को मिले और इमाम ने जब उनसे शिरकत के लिए कहा तो उसने एतराज़ किया और वो कूफे की तरफ चला गया। मगर रास्ते में उसको ख़्याल आया कि ये मैंने क्या किया, वो वापस आ गया, और जब वापस आए तो उस वक्त तक इमाम शहीद हो चुके थे। चुनांचे जो पहला रिकॉर्डेड वर्सिया है वो उबैदुल्लाह इब्ने हुर का है। अच्छा, अब अरबी में जैसे फरजदक की शोहरत है बहुत, और इमाम ख़ुद हयात थे सब जब तक थे, तो इस्माइल हिमेरी हैं और कुमैत असदी हैं और देबिल फ़ज़ाई हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आइम्मा के सामने मसीह पढ़े और अल्लाह उनको जजा दे, और वो बड़े खुशनसीब लोग थे। अच्छा, अरबी में लेकिन बहसियत सिर्फ के मरसिया नाफिज नहीं हुआ, कसीदों में रसाई अशआर आते थे फारसी ज़बान में, रौदकी से लेकर और हमारे ज़माने में हसन हुसैनी और कैसर अमीन पूर और शहरियार तक सब ने मरसिए लिखे, मगर दो चार मरसिए बहुत मशहूर हैं, मोहतशम काशानी हैं, मुल्ला मोहसिन हैं और लेकिन बड़ा ज़खीरा नहीं मकबल हैं, मगर सिर्फ कायम नहीं हो सकी। हमारे यहाँ जब कुतुब के बाद ज़मीर और खलीक और अनीस और दबीर और उसके बाद तो एक सिलसिला है और यहाँ तक जारी है, इसमें जो अहद ज़र्री एक ज़माने में कहा जाता है वो अनीस और दबीर, अनीस और दबीर का है। अच्छा, अब इनके जो बुज़ुर्ग दोनों थे, दोनों के मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस का नाम साथ साथ दिया जाता है। मिर्ज़ा दबीर लखनऊ में रहते थे, मीर अनीस फैज़ाबाद में, मगर बाद में इनके वालिद जो थे वो मुस्तहसन खलीक, वो इनको लेके इधर आ गए लखनऊ में और फिर ये वहीं पले बढ़े। अब अनीस के ये जो आप सामने किताब देख रहे हैं ये तीन नस्लों का समरा है, यानी तीन नस्लें, ये कि मैं मेरे वो उस्ताद की मंजिलों में थे, मेरी यूनिवर्सिटी के वो सदर शोबर है मसूद हसन रिज़वी साहब जो थे, उन्होंने मरसिए पर काम शुरू किया, और मैं समझता हूँ कि जो पहले बुनियाद गुजार और कहीं मेरी लाइब्रेरी मौजूद होगा शाहकार अनीस के उन्वान से उन्होंने एक नहायत खूबसूरत इंतखा जब कथा की बसावत आफ्ताब। अब ये जो है ये हैं 111 मरसिए, ना मुकम्मल नहीं है, मीर अनीस के बहुत से मजमून शाया हुए, साले आबिद हुसैन का है, अकबर कश्मीरी का है, और पुराने मरसियों में बहुत से आपको अली जवाज इंतखाब आपको बहुत मिलेंगे, मगर अभी तक नहीं, अभी तक ये सब ये जो है ये सबसे वो मुस्तनद है, और इसमें ज़ाती कुतुबखाने से उनके यानी मसूद साहब का जो ज़ाती कुतुबखाना दुनिया का शायद वक्तूतात का सबसे बड़ा ज़खीरा उनके पास है, तो उनके नैयर मसूद साहब के जो साहबजादे हैं तिमसाल मसूद,
वो ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाते हैं कुछ है, वहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने इसको संभाला और उस नामुकम्मल काम को गोया मसूद साहब, नैयर भाई, नैयर मसूद साहब और तिमसाल मसूद। इसका मतलब ये हमारी ये किताब हम जिसको आज ज़ेर बहस ला रहे हैं, ये मीर अलीस की अब तक जो छपी हुई चीज़ें हैं वो सब नहीं छपी हुई चीज़ें अभी और भी हैं रखी पड़ी, अभी बहुत रहती हैं है। जी हाँ अभी बहुत रहती हैं, यानी ये पूरे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 111 मरसिए हैं, मगर ये मुस्तनद हैं। इसमें यानी जितने नुस्खे पाए जाते थे उनकी सेहत को यकीनी बनाया जा गया है। पहले शहीद साहब ऐसा होता था कि मरसिए पढ़ने वाले यानी अपने बुज़ुर्गों के मरसिए पढ़ते थे, मजलिसे आज़ा में अपने बुज़ुर्गों के मरसिए पढ़ देते थे, अपने शागिर्दों को मरसिया लिख के दे देते थे। मरसिया खानी राइज थी, ये बात मरसिया खानी ये जहन में रखिएगा कि तहतु लफ्ज मरसिए का रवाज जो है ज़्यादा वो हज़रत मीर अनीस आला मकाम। इस किताब की तदबीन वगैरह इनका सीरा किन लोगों के साथ, नैयर मसूद साहब हैं कोई मैंने आपसे किया ना, तीन आदमी इसमें शामिल हैं, नैयर मसूद हैं, नैयर मसूद तिमसाल भी आए हैं और इन्हें शाया की इस किताब को जी इन्हीं लोगों ने किया जी, कराची से शाया। अच्छा मैं वापस आपके प्रोफेसर सज्जाद साहब, क्या इस किताब ने उर्दू ज़बान उर्दू अदब को आगे पहुंचाने में बढ़ाने में मदद की है? अनीस ने अपनी ज़बान इस तरह इस्तेमाल की है कि वो एक मिसरा पूरे मरसिए पे हावी हो जाता है। मसलन एक मिसरा है, आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई, क्या बात। अब इसमें क्या आलम तन्हाई का जो बयान है ये एक पूरा मरसिया है, और ज़बान की जो खूबियाँ हैं वो फिर अनीस के यहाँ मसलन बखुदा फारस मैदान तहव्वुर था हुर। अब दूसरा मिसरा देखिए, अब इसे बुखारी साहब ने भी पढ़ दिया, एक दो लाख सवार नहीं एक दो लाख सवारों में, इस तरह पढ़ा जाएगा। तो इस तरह ये जो जबान का इस्तेमाल है अनीस का, इसको आगे वाले शायरों ने उठाया है, जबान के लफ्ज़ अदायगी सब इस किताब सब जी उसमें है। और इसके सबसे बड़ी खूबी ये है कि अनीस की शायरी उस वक्त शुरू हुई जब लखनऊ में गज़ल की शायरी आम थी, और वहाँ का माहौल चूँकि ऐश परस्ताना था इसलिए गज़ल में भी ज़्यादातर महबूब की बात होती थी, महबूब मजाजी की बात होती थी, और काफ़ी इब्तिज़ाल की बातें भी की जाती थी। चुनाचे उस माहौल में लखनऊ के उस ऐशो इशरत वाले माहौल में अनीस ने जो मरसिया लिखा वो एक अखलाकी शायरी का आगाज़ था। ये एक अच्छा, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं अपने सुनने वालों को ये बताऊं कि अगर वो इस किताब को पढ़े जो हमारे जी उनको क्या फ़ायदा, इस किताब को पढ़ने से एक तो ये कि शायराना महासिन पता चलेंगे, एक ये कि जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि ज़बान के बारे में पता चलेगा कि ज़बान कैसे लिखी जाती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, लहजा कैसे बनाया जाता है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ रखा जाता है। अब आप देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक वाक़िया है कि जब बिल्कुल शहादत के करीब थे तो एक मुसाफिर गुजरा और उसने पूछा कि आप कौन हैं, तो मिर्ज़ा दबीर ने लिखा फरमाया मैं हुसैन अलैहिस्सलाम हूँ। वाह वाह वाह, इसी को अनीस ने लिखा, ये तो ना कह सके कि शह मशरक़ैन हूँ, मौला ने सर झुका के कहा अच्छा। मैं होता तो ये सीखता है अनीस से इंसान जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। इफ्तिखार साहब आखिरी सवाल मेरा ये है, इस बात को कहने में हकमा जानिब होंगे कि अगर कोई भी तहजीब तलाश करनी हो, अपने असलाफ़ की अजमत तलाश करनी हो और आदाब मजलिस तलाश करनी हो, रिश्तों के तकद्दस में कैसे गुफ्तगू की जाती है ये देखना हो तो आपको अनीस पढ़ना पड़ेगा। देखिए ऐसे है कि मरसिया जो है वो एक पूरी मुकम्मल तहजीब के साथ है। मसलन नशस्त बरखास्त कैसे होनी चाहिए, बैठना कैसे चाहिए। मसलन हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, बाज़ लोग मेंबर पे बैठते हैं तो उन्हें बैठना नहीं आता, ख्याल नहीं रखते, ये नहीं होता कि हाथ कहाँ जा रहा है, उन्हें ये नहीं होता कि खुद मीर अनीस के ख़ानदान में बाद में बहुत सी बिदअतें पैदा हो गई जो नारवा थी,
एक बात भाई सजाद ने बहुत ही सही कही, मगर इसका एक और रुख भी है। मसीहत तब नाफिज और आयज हुआ जब मुस्लिम इक्तदार का सूरज गुरूब हो चुका था, कदर की बात, और गुरूब हो रहा था। चुनांचे अहले अवध जो थे वो अपने आप को मजलूम समझ रहे थे, और मुनहदिम होते हुए माशरे ने खेमे हुसैनी में पनाह ली और एक अपने गम को, मकामी गम को एक बड़े गम में जम कर दिया। ये अनीस का कमाल था। और दूसरी बात ये कि शायद मैं कोई उसमें मुबालगा नहीं कर रहा, अनीस ने जबान को जैसे साफ किया, इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जैसे फिल्टर किया, जो जबान उर्दू की आ रही थी, बड़े शायर की एक पहचान ये होती है कि उससे पहले जो जबान थी उसको मुनकलिब कर लेता है, जबान और हो जाती है। अनीस के बाद वो जबान और हो गई। अच्छा, और तमाम मतालिब के बयान करने पर उसको कुदरत हुई। अब ये जो इन्होंने महासिन शेरी का जिक्र किया है कि लफ्ज कहाँ सुरमा जेबा है मगर खूब है, नेक है क्या के बद है क्या क्या अबरू के लिए, सब है कड़ी है मगर हुस्न है अबरू के लिए, सुरमा जेबा है फकर नरगिस से जादू के लिए, क्या खाल है वगैरह वगैरह। तो हर चीज़ अपनी जगह पर हो। अनीस की नशस्तों पर खास उनके लफ्ज़ों का इस्तेमाल, उनकी नशस्त लफ्ज़ों की मिसरे की बंदिश, यानी कोई लफ्ज आप उसका उनका इधर से उधर नहीं कर सकते। एक बात दूसरी ये कि मिसरा बहता पांच फसी अज्जा हैं, एक से दूसरे में जाते हैं और दूसरे से तीसरे में जाते हैं, मसीह कोई आपको झटका नहीं लगता। आप बैठते हैं एक डेढ़ डेढ़ घंटे की मजलिस, वो एक मेंबर पर बैठते थे एक पहलू, और बयाज कैसे हाथ में लेते हैं, आपने अभी जिक्र किया चेहरे के उतार चढ़ाव से लहजा कैसा होना चाहिए, हाथ कहाँ जाने चाहिए, निशस्त मेंबर पे, जी मेंबर पे निशस्त, सर पे हजरत का आलम, सर पे हजरत का आलम चाहिए, क्या चाहिए, क्या तख्त मिला, ताज मिला, ताज मिला, तो ये उनको तख्त भी मिला, ताज भी मिला, ताज भी मिला। और बिल्कुल इनके बारे में सही कहा था कि तूरे सीना ये दबीर जैसा कैसा तमाम तमाम उम्र की चश्मा, मगर जब रुख्सत हुए के मेंबर बे अनीस जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे तूरे सीना बेकरीम ला मेंबर अनीस। और जब उनसे मिलने गए आखिरी वक्त, उन्होंने कहा पैमाना भर चुका है, छलकने की देर है, अपने हयात के आखिरी अंजाम में अनीस ने फरमाया यही है ना, पैमाना भर चुका है, छलकने की देर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इफ्तिखार रईफ साहब आपका, प्रोफेसर हसन सज्जाद आपका। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारी किताब ज़ेर बहस थी मीर अनीस के 111 मरसिये, नज़ीर मसूद साहब ने इसे शाया किए और इनकी तन्हा मेहनत है, अल्लाह इनको इसकी जज़ा अता फरमाए। प्रोग्राम रोशनी में जिन किताबों का हम तारुफ करा रहे हैं वो हमने इन बड़े लोगों से मशवरे के बाद इनको मुंतखब किया। मुमकिन है हमारे इल्म में वो किताब ना हो जो आपके मुताले में हो, या उसको आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा हो या बहुत अच्छा तरह समझा हो, तो घबराइए नहीं, हम खुश आमदीद कहेंगे ऐसे तमाम अपने नाज़रीन को जो हमें उन किताबों के बारे में बताएं। हमारा नंबर 7 स्लाइड चल रही है, उस पर इत्तला दें। अगर उस पर आप बोल सकते हैं, अगर किताब पढ़ी तो हम आपको मधु करेंगे बतौर मेहमान, ताकि आप उस किताब पर बात करें। इसमें सीनों साल की कैद नहीं है। अगर किसी नौजवान ने पढ़ा है और अगर किसी बुज़ुर्ग ने पढ़ा, तो इसमें कोई हमें हार महसूस नहीं हुई, उन्हें हम यहाँ मधु करें। किताब आप बताइए, तशरीफ़ लाइए हमारे इस प्रोग्राम में, उस पर गुफ्तगू कीजिए, ताकि हमारे नौजवान नस्ल को, हमारे लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ हो, किताब से एक रिश्ता दोबारा जुड़ जाए। कोर्स की किताबें पढ़ के पास होना और बात है, और इल्म की रोशनी को साथ ले जाना ये और बात है। जब तक सांस आ रही है, जब तक माशरे में अंधेरा है, जब तक तारीकी दूर नहीं हो जाएगी, आपको एक रोशनी की ज़रूरत है, और उस रोशनी का नाम है किताब की रोशनी।
शकील अख्तर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।